बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला अच्छे होंगे। आज का मेकअप है जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, और आप लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना, और प्लीज़ कम्प्लीटली वीडियो देखा करें। मैं आप लोगों को बोल बोल के थक गई हूँ, कम्प्लीटली वीडियो देखा करें। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने थोड़ी सी स्पीड जो है वो वीडियो की बढ़ा दी थी, क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी भी हो गई थी, तो इसलिए मैंने स्पीड जो है वीडियो की बढ़ा दी थी। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट के जो आईब्रोज हैं उनको सेट कर रही हूँ, क्योंकि इनके जो एक आईब्रोज में बहुत ज़्यादा मसला है, मतलब जो उसके बाल हैं उनकी जो बालों की जो ग्रोथ है वो मतलब डिफरेंट थोड़ी सी है इनके आईब्रोज। तो यहाँ पे मैंने डार्क ब्राउन कलर और मतलब थोड़ा सा ज़रा सा इनका मतलब लाइट शेड है बालों का, तो ज़रा सा ब्लैक कलर, इन दोनों को मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करके मैं इनके आईब्रो शेड कर रही हूँ, और आईब्रोज आपने देखने के मैं इनके थोड़े से लॉन्ग आईब्रोज रखूँगी, क्योंकि इनके जो आईब्रोज हैं वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हैं। और यहाँ पे जो इनके आईब्रोज हैं वो मैंने सेट कर लिए थे, क्योंकि देखिए जब तक हमारी आईज़ पे पूरा कम्प्लीटली मेकअप नहीं होता है और हम लोग आईब्रोज बनाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा थोड़े से डिफरेंट से लगते हैं। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा मतलब वो कलर की बिल्कुल एक लाइन सी लगा ली, और हल्के से हाथों से मैं इनका जो शेड है वो बीच में फिलिंग करती भी जाऊंगी। और आप लोग देख भी सकते हैं कि आईब्रोज जो हैं यार हमारे फेस में सबसे ज़्यादा मेन मतलब पॉइंट ही हमारे आईब्रोज होते हैं। अगर हम अपने आईब्रोज को बहुत अच्छे तरीके से नीट करें और अच्छे तरीके से उनको फिलिंग करें तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यार मैंने इनके आईब्रोज जो फिल कर लिए हैं, और इनका जो मेकअप है वो मैं करूँगी मेहरून और पीच कलर का। और यार मैं अपनी वीडियोज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, क्योंकि अब तो मैं अपनी मतलब वीडियो से भी मायूस सी होने लग गई हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती हूँ, व्यूज़ जितने चाहिए उतने व्यूज़ आते ही नहीं है। प्लीज़ आप लोग हर एक के साथ कॉपरेट किया करें, क्योंकि जो भी इंसान यूट्यूब पर काम करता है वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है। यहाँ पे मैंने एक लाइट सा पीच सा कलर लिया था, उसके साथ मैंने पूरी आईज़ को कंट्रोल कर लिया था, क्योंकि हम लोग सबसे पहले आईज़ की कंट्रोलिंग भी करते हैं। अब मैं यहाँ पे लूँगी मेहरून कलर का शेड, ये मैंने डार्क मेहरून और ब्राउन इन दोनों कलर को मैंने मिक्स कर लिया है, और इसको हल्के हाथों से मैं लगाती भी जाऊँगी। और आप लोगों को तो देखें, जब हम मेकअप करते हैं, जब हम अपनी आईज़ को देखते हैं, तो हमारी जो आईज़ है वो खुद ब खुद ही हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लग जाती है, क्योंकि हमें जो हमारा आईज़ मेकअप है वो समझ आने लग जाता है कि हमने इस क्लाइंट को कैसा लुक देना है, क्या मतलब कैसा हमने इस क्लाइंट का मेकअप करना है और कैसा डिफरेंट हमने लुक देना है। यहाँ पे उसके बाद मैंने सिर्फ ब्राउन कलर लिया है, वो भी डार्क ब्राउन कलर मैंने लेके मैं उसके साथ भी इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ, और मिक्सिंग जो है वो मैं हल्के हाथों से करती हुई जाऊँगी, मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पूरी आईज़ के ऊपर एक ही शेड लगाया है, क्योंकि हम लोग अपनी आईज़ की करेंगे कट क्रीज़, और जब हम कट क्रीज करते हैं आईज़ की, तो आईज़ के ऊपर जो एक डिफरेंट सा लुक जो है वो खुद ब खुद ही आ जाता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे जो था वो मैंने कट क्रीज की जगह पे वाइट कलर का बेस लगा लिया था, मतलब वाइट जो शेड होता है एक वो लगाया था, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने उसके बाद सोचा कि क्यों ना मैं आईज़ की कट क्रीज करूँ तो वो ज़्यादा अच्छा लगे, तो इसलिए मैंने अपनी क्लाइंट की आईज़ की जो थी वो मैंने कट क्रीज की थी, और जितना भी एक्स्ट्रा हमारा जितना भी पाउडर वगैरह जो हमारे आई शेड वगैरह जो साइड पर गिरा था उसको मैंने एक अच्छे तरीके से मैंने उसको रिमूव कर लिया था, क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा मतलब जब हम बेस बनाते हैं तो पूरा जो है हमारे बेस में उसकी मिक्सिंग हो जाती है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अच्छे तरीके से जो हमने हाईलाइट एरिया करना था वो हमने अच्छे तरीके से हाईलाइट कर लिया था, और बिल्कुल भी आपने नहीं वो होना है कि देखें हमारे जो हाईलाइट जो एरिया है वो बिल्कुल बहुत बुरे तरीके से फैल चुका है, क्योंकि देखिए इसको हम लोग बाद में सेट करेंगे। हमें जितना अपना हाईलाइट एरिया चाहिए हम उसके हिसाब से एक लाइन बनाएंगे, और हल्के हल्के हाथों से हम ब्लेंडिंग करते हुए जाएंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हाथों से हमने करनी है, और इसकी जो है वो हम एक लाइन जो है वो बनाते जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख भी रहे होंगे, अब मैं जो मतलब जो हमारा आईज़ का जो जितना भी मैंने एरिया जो है वो हाईलाइट किया है उसको थोड़ा सा मैं ब्लेंड करूँगी, और थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट हाथों से मैं ब्लेंड करूँगी, और आप लोगों ने देखना है कि मैंने किस तरीके से अब जो है हम इनकी करेंगे कट क्रीज आईज। हमने जैसे इनकी आँखों के ऊपर लगा लिया है, वैसे हमने अपने क्लाइंट को बोला है कि आप थोड़ी सी अपनी आईज़ जो है वो मतलब खोलें, तो आप लोगों को खुद ब खुद ही समझ आ जाएगी कि हमने कौन सा एरिया है जिसको हमने कट क्रीज करना है। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो कि मैंने हल्के हल्के हाथों से ये लगा लिया है। फाउंडेशन मैंने लिया था,
फाउंडेशन भी ले सकते हो आप लोग, कंसीलर भी ले सकते हो, और जो हम हाईलाइट एरिया करते हैं आप उसका बेस भी ले सकते हो। यहाँ पे इसके ऊपर मैं वाइट कलर लगाऊंगी। पहले मैंने सोचा कि मैं वाइट कलर लगाती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, और वाइट कलर फिर मुझे इतना ज़्यादा नहीं अच्छा लगा। फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ग्लिटर लगा दिया था। ग्लिटर भी जो मैंने लगाया था वो मैंने लगाया था पिंक कलर का, पिंक, गोल्डन, ब्राउन और डार्क मेहरून कलर जो होता है, और थोड़ा सा ब्लैक। ये काफ़ी ज़्यादा ग्लिटर जो थे वो मैंने इनकी मिक्सिंग की थी। मिक्सिंग के बाद मैंने इनकी आईज़ के ऊपर ग्लिटर लगाया था, और जितने भी हमें कट क्रीज का जो एरिया हमें एक्स्ट्रा लग रहा था उसको हम ब्लेंडिंग ब्रश के साथ अच्छे तरीके से बिल्कुल उसको ब्लेंड करते हुए जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख भी रहे होंगे बहुत हल्के हाथों से मैं आईज़ को ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि देखिए हमारे मेकअप में सबसे ज़्यादा पॉइंट जो होता है वो इसी चीज़ का होता है कि हमने मेकअप को किस तरीके से हमने ब्लेंड करना है। जो हमारा हाईलाइट एरिया था उसको मैंने दोबारा से फिर से एक दफ़ा शिमर लगाया था उसके ऊपर। यहाँ पे जो मैं इनके ग्लिटर लगा रही थी वो मैं लगा रही थी पिंक कलर का, और थोड़ा सा पिंक कलर लूँगी, उसके बाद थोड़ी सी मिक्सिंग करूँगी, थोड़ा सा वाइट, थोड़ा सा गोल्ड, ये सारे जितने भी शेड हैं उन शेडों को सबको मिक्सिंग करते हुए मैं इनकी आईज़ के ऊपर लगाती भी जाऊँगी। और यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं कि इनकी आईज़ को मैंने कट क्रीज कर लिया है, कितना ज़्यादा सॉफ्ट लुक आ रहा था। और क्योंकि देखिए जब हम आईज़ मेकअप करते हैं ना उसके ऊपर हमने बेस नहीं बनाया होता तो हमें हमारा जो आईज़ मेकअप है वो बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। तो इसीलिए हम लोग जो हैं सबसे पहले आईज़ मेकअप के साथ जब हम अपना बेस बना लेते हैं जो हमारा आईज़ मेकअप है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने ब्राउन सा कलर लिया है, पहले मैंने उसके साथ मतलब ब्लेंड किया है, उसके बाद फिर से मैं दूसरा शेड लूँगी, मेहरून शेड लूँगी, और उसके बाद मैं इसी के ऊपर थोड़ा सा मेहरून शेड लगाऊँगी। इन दोनों शेडों को मैं अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दूंगी कि इनकी जो एक लाइन जो है वो बिल्कुल भी ना दिखे। और यहाँ पे मैं लगा रही थी बेस, क्योंकि गर्मी की वजह से यार बेस जो है वो लिक्विड बेस जो है वो मतलब बह जाते हैं, बिल्कुल भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग तक नहीं चलते हैं। और जो बेस काफ़ी ज़्यादा जो मतलब समझे कि ब्रांड के जो बेस हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई कर देते हैं और बहुत ज़्यादा इन स्किन को जो है वो बहुत ज़्यादा वाइट कर देते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे जो मेरे मतलब जितने भी मतलब पाउडर वगैरह पड़े हुए हैं उनके साथ मैं एक बेस बनाऊँ। तो यहाँ पर मैंने लिया था, एक मैंने लिया था मतलब इंडियन बेस मैंने लिया था, और एक मैंने लिया था मिस रोज़ वालों का लूज़ पाउडर। इन दोनों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स करके इनके चेहरे के ऊपर लगा लिया था, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हाथ से लगाया था। अब इसके बाद मैं इसके मेकअप को मतलब इनके जो फाउंडेशन को जो मैंने इनके चेहरे पे बेस बनाया है इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, क्योंकि इनकी स्किन बहुत ज़्यादा मसला कर रही थी, इनकी स्किन के ऊपर कोई भी बेस जो था वो नहीं टिक रहा था। और इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना गर्मी है और बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं ये वाला बेस इनकी आईज़ पर लगा के देखूँ। तो इसीलिए इसको मैंने इनकी पूरा लगा लिया था। उसके बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की मदद के साथ मैंने इनका जो बेस था वो काफ़ी हद तक मैंने इनका ब्लेंड कर दिया था, क्योंकि जैसे हम बेस की ब्लेंडिंग करते हैं बेस जो है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हाथों के साथ इनका बेस, और इनकी स्किन के ऊपर मैं हैवी बेस नहीं बनाती हूँ। देखें जब हम अपनी हैवी बेस बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगता है। तो जब भी हम अपनी क्लाइंट की बेस बनाएंगे उनके हाथ पाँव का कलर देख के बनाएंगे, बहुत ज़्यादा वाइट करने की कोशिश नहीं करेंगे, और बेस में जो है हम थोपा थपाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि हमें जो है वो बेस बहुत ही ज़्यादा एक डिफरेंट सा लुक दे और बिल्कुल भी अच्छा ना लगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते थे कि इसके बाद मैं इनके स्किन के ऊपर दूसरा बेस लगा रही थी, वो जो बेस लगा रही थी वो था मिक्सिंग थी या नाम ये इंडियन बेस की, और जो हुदा ब्यूटी का लूज़ पाउडर होता है उसकी, इन दोनों की मैंने मिक्सिंग कर दी थी अच्छे तरीके से। अब मैं इनके पूरे फेस के ऊपर इसको लगाऊंगी, और मैं बिल्कुल भी फेयर की तरफ नहीं गई हूँ, क्योंकि मैं इसलिए मैंने फेयर की तरफ मतलब ये बेस नहीं लगाया, क्योंकि जो मैं लूज़ पाउडर लगाऊंगी इनके फेस के ऊपर, जब कोई भी हम लोग फेस पाउडर इनके फेस के ऊपर लगाएँगे उसको वो हम लगाएँगे फेयर कलर का। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से मैं इनका जो बेस है वो उसको मैं ब्लेंड कर भी रही थी, और गर्मी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, और आज जो थोड़ा सा बेस जो था वो मुझे पेची पेची सा लगा, इसलिए इसको मैंने मतलब 10 से 15 मिनट के लिए, जब भी आपको लगे कि आपके क्लाइंट के फेस पे बेस नहीं टिक रहा तो आप उसको 10 से 15 मिनट के लिए उसको छोड़ दें। जैसे आप 10 से 15 मिनट के लिए उसको छोड़ेंगे वो आपकी स्किन में अच्छे तरीके से आपके मतलब आपकी स्किन में अच्छे तरीके से वो मैच हो जाएगा, तो उसके बाद जब आप उसको ब्लेंड करोगे तो उसका जो लुक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा भी आएगा, और बहुत ज़्यादा वो बेस जो होगा वो बहुत ज़्यादा ग्लो भी करेगा। इसलिए मैंने अपने बेस को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। छोड़ने के बाद जब मैंने इनके अच्छे तरीके से मैंने इनके मतलब वो अपने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ
मतलब उसको ब्लेंड करने की कोशिश की तो वो काफ़ी हद तक सेट हो गया था। अब हम इनको थोड़ी देर के लिए और छोड़ेंगे। जैसे जैसे हम अपने बेस को छोड़ेंगे वैसे वैसे हमारा बेस जो है वो हमारी स्किन के ऊपर सूट भी करने लग जाएगा और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं कि मैंने इनके फेस के ऊपर बहुत लाइट सी कंट्रोलिंग की है, ज़्यादा नहीं की है, क्योंकि कंट्रोलिंग हमने इसलिए लाइट सी की है क्योंकि मैं ये मेकअप करी थी, पार्टी मेकअप करी थी। और यहाँ पे मैंने इनके साथ बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड करने की कोशिश की, मैंने इनके डार्क ब्राउन मेहरून टाइप का एक कलर होता है वो मैंने इनके लिपस्टिक का लगा लिया था। पर आगे जाके हम जो है वो इस लिपस्टिक को हम चेंज कर लेंगे, परमानेंट नहीं रखेंगे। ये लिपस्टिक का जो शेड है ये फैशन में बहुत ज़्यादा इन जा रहा है, इसको कलर को बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी लगा के देखूं कि इनके होंठों पे कैसा लगता है कैसा, पर मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। जो हमने लास्ट में जो मेकअप की मसलन के जो लास्ट में हमारी जो मतलब लिपस्टिक थी उसको मैंने चेंज कर लिया था। और लिप कलर चेंज करने में अगर आप लोग सोचते हो कि आप लोगों का बेस बना हुआ है लिप कलर चेंज करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। और कुछ जो हमारे क्लाइंट के चेहरे के ऊपर पित्त दाने होते हैं, गर्मियों के जो दाने वगैरह होते हैं, जहाँ जहाँ हमारे गर्मियों के दाने होते हैं वहाँ वहाँ पे भी हमारा जो बेस है वो हल्का हल्का सा क्रैक होने लगता है। इसलिए हमें अपने बेस को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए कि हमारा जो बेस है वो अच्छे तरीके से सेट हो जाए। और यहाँ पे जो हमारे क्लाइंट की जो थी वो मैंने हल्की फुल्की सी लिपस्टिक लगा ली थी, मतलब कि मुझे कह भी नहीं थी मेरी क्लाइंट की ये कलर जो है वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा, पर मैंने कहा चलें लास्ट में चेंज करेंगे। अभी हम लोग जो है इसको इसी तरीके से थोड़ा सा सेट करके देखते हैं कि कैसी लग रही कैसी नहीं लग रही। और फिर हमारे साथ बहुत ही अच्छा सा ट्रेन हो गया कि यार हमारी जो लाइट थी वो जा चुकी थी, जितना भी लास्ट का मेकअप था वो हमारा सारा रह गया था। और मुझे बहुत ज़्यादा ये मतलब मैंने शौक से और इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो थी बेस के हवाले से उसके हवाले से मैंने आप लोगों को बतानी भी थी और आगे जाके बाकायदा दिखानी भी थी कि ये बेस अब कैसा है और बाद में कैसा है, क्या है क्या नहीं है। पर आप लोग देख भी सकते हो कि यार बिल्कुल भी मतलब जब लाइट चली गई थी तो बिल्कुल भी जो हमारा काम था वो बहुत बुरे तरीके से ख़राब हो चुका था। पर फिर भी मैंने मतलब उसको कम्प्लीटली करने की कोशिश की है कि जो हमारे क्लाइंट के ऊपर मतलब अच्छा लगे, मतलब सूट करे। और यहाँ पे पर फिर भी मैंने कम्प्लीटली जो मेकअप है सिर्फ आपको इस मेकअप में आईलैशेस नहीं दिखेगी कि जो मैंने आईलैशेस लगाई है, बाकी इंशाल्लाह ताला कम्प्लीटली मेकअप जो है वो आपको दिखेगा कि मैंने कम्प्लीटली मेकअप किस तरीके से किया है, किस तरीके से नहीं किया है और किस तरीके से मैंने इनकी कंट्रोलिंग की है, किस तरीके से नहीं की है। बट जो लाइट गई है लाइट की वजह से बिल्कुल काम जो था वो हमारा ख़राब हो चुका था। और यहाँ पे अब मैं इनके हल्का सा पीच सा मैंने कलर लिया है और जो इनके मैं ये इनकी जो फाउंडेशन लगाऊंगी ये थोड़ा सा मैं एप्पल फेस पे लगाऊंगी, मतलब एप्पल स्टाइल में लगाऊंगी। इसको हमने बिल्कुल भी इनके फेस को लंबा करने की कोशिश नहीं की, मैं थोड़ा सा एप्पल फेस में मैंने इनको करने की कोशिश की है क्योंकि इनके फेस के ऊपर बिल्कुल भी ऐसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पर जो लाइट चली गई थी लाइट की वजह से बहुत बहुत सॉरी कि जो जितना भी इसका आखिरी जो मतलब शॉर्ट बनाने थे, आखिर में जो इनकी वीडियोस वगैरह लेनी थी और थंबनेल